तैयार हो जादू देखने के लिए? वाह जादू। 1 2 3 आबरा का डाबरा गिली गिली छू। तस्वीर कहाँ से आई आपके पास? उन्हें पापा है। क्या कह रहे हो तुम? वो रे ने पापा। किसने बोला नकली? मैं इसे दिल से अपना मानता हूँ। I love you पापा। I love you too। वो दरअसल जलेबी। I'm so sorry, नंदनी, मैं वो लड्डू की चीजों के चक्कर में ना मैं भूल ही गया। गिली गिली छू। नंदनी ये नंदनी कहाँ गई? पता नहीं भैया, अभी तो यहीं थी, कहाँ चली गई? जादू खत्म। चलो बच्चों बैठ जाओ, अब जादू का खेल खत्म हुआ। अब लड्डू के बर्थडे पे हम सब करेंगे डांस और गाना बजेगा। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नंदनी कहाँ चली गई? क्या हुआ आकाश, किसे ढूंढ रहे हो? नंदनी को ढूंढ रहा हूँ, आपने देखा क्या? हो नंदनी, उसे तो मैंने पीछे वाले कॉरिडोर की तरफ जाते हुए देखा था, वहीं होगी। पीछे वाले कॉरिडोर में क्यों गई हो? मैं देखता हूं। आखिरकार इतने सालों बाद लड्डू हमारे पास आई क्या? हमारे प्यार की निशानी अब हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगी। और तो और अंग्रेजी हीरो ने भी उसे अपना लिया है। बस उन्हें कभी पता नहीं चलना चाहिए कि लड्डू हमारा बच्चा है। कभी पता नहीं चलेगा। नंदनी का सगा बेटा है। इससे पहले अंग्रेजी हीरो को कुछ भी पता चले हमें यहां से निकलना होगा। चलो कहाँ गई?
कहाँ गए? मेरे भरोसे के बदले इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे नंदनी, क्यों क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? काम हुआ? जी मैम, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया। बहुत अच्छे, ये लो। अब तुम दोनों यहाँ से जाओ और दोनों अगली बार वापस अपनी शक्ल न दिखाना। ध्यान से जाना, कोई देख ना ले। जाओ, ये पीछे का रास्ता है, जल्दी जाओ। खुशियों की नदी में हाथ धोने चला था आकाश, मैंने उसे सदमे के समंदर में डुबकी लगवा दी। बेचारा क्या गुजर रही होगी उस पे। हमारे प्यार की निशानी अब हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगी, हमारे साथ रहेगी। और तो और अंग्रेजी हीरो ने भी उसे अपना लिया है, उसे अपना लिया है। बस उन्हें कभी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना कि लड्डू हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा है। क्यों किया भगवान मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? इस लड़की को मैंने अपना सबसे कीमती दिल दिया था, उसी ने मेरे दिल को तोड़ के रख दिया। भगवान क्यों किया ऐसा? कभी नहीं सोचता कि नंदनी मेरे प्यार का इतना नाजायज फायदा उठाएगी। कभी तो शादी से पहले ही वो कैसे बच सकती है? जवाब चाहिए मुझे, जवाब चाहिए। प्यार करता था मैं नंदनी से, इसे नहीं जाने दूंगा। तेरे लोगों मुझसे ये डर सही तो? जिंदा रहने के लिए पैसा है, शो आराम, इज्जत, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, कुछ नहीं चाहिए मुझे। नंदनी चाहिए। बस उन्हें कभी पता नहीं चलना चाहिए कि लड्डू हमारा बच्चा है। सबकी आंखों में धोखे की पट्टी बांधी है ना तुमने, तुम्हें जवाब देना होगा। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? जवाब देना होगा। क्यों दिया तुमने मुझे धोखा? कौन है इस बच्चे का बाप? जवाब देना होगा तुम्हें नंदनी, जवाब देना होगा तुम्हें नंदनी। बहुत विश्वास था हमें अंग्रेजी हीरो पर, लेकिन आज लड्डू और अंग्रेजी हीरो का प्यार देखकर हमारी विश्वास की वो डोर टूट चुकी है। कह के अब हमें भी लगने लगा है कि
कि लड्डू अंग्रेजी हीरो का ही बेटा है। नंदनी कहाँ चली गई थी? लड्डू और अंग्रेजी हीरो को एक साथ देख नहीं पा रहे, लोग मजबूत मन नहीं है हमारा, इसलिए छत पर चले गए थे। अरे तुम दोनों पति पत्नी का क्या चल रहा है? और कभी तुम गायब हो, कभी वो गायब है, और है कहाँ वो? पता नहीं हमें। अच्छा ठीक है, वो जब आएगा तब आएगा, लेकिन तुम्हें डांस करना पड़ेगा। मैंने सुना है हमारे घर की पार्टी तुम्हारे डांस के बिना अधूरी है। हमारा मन नहीं है। अरे यार इतना इतराओ मत, आज करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं सुनने वाला। हमने गाना, हमारा मन नहीं है। अरे कम ऑन नंदनी। बस उन्हें कभी पता नहीं चलना चाहिए कि लड्डू हमारा बच्चा है। शुक्र मनाओ कि मैंने अभी सिर्फ शराब पी है। वरना जो धोखा मुझे मिला है ना, उसके लिए मुझे जहर पीना चाहिए था। पापा, दाल क्यों बंद कर दिया? आप चलो, माँ पापा आप दाल करते आओ ना। लड्डू भाई क्या कर रहे हो? बच्चा ये पापा रे, तुम्हारे मुंह से मां अच्छा लगता। मां बोलो, मां बोलो, बोलो मां। भाई आपने शराब पिए, सब ठीक तो है ना? गलत फहमी थी मुझे कि सब ठीक है। अफसोस कुछ भी ठीक नहीं है। आज मेरे जिंदगी का सबसे यादगार दिन है। आज के दिन को मैं बहुत बहुत खास बनाना चाहता हूं। आज मैं गाना गा के सुनाऊंगा। अब सबको एक अच्छा गाना सुनाऊंगा। गाना सुनाऊंगा मैं। मुरली गिटार लेके आओ, मेरा जाओ, मेरे का गिटार लेके आओ, जाओ। आए मरती, आए मरती। अरे सासू माँ, आप यहाँ क्यों चली आई? बाहर तमाशा शुरू हो रहा है। आकाश ने उस जोकर की बात को सच मान लिया। उसे लगने लगा है कि ये लड्डू सच में नंदनी का ही बेटा है। क्या? अरे बचा गया। ये कीड़ा तूने लोमड़ी वाली बात। अरे चलिए ना, बाहर चलिए ना, तमाशा थोड़ा भी मिस नहीं होना चाहिए। चलिए बाहर चलिए, चलिए रुक। अरे
ये किस लिए? किसी का मुंह काला करने के लिए। करेंगे तो लोग परिवार के बारे में तरह तरह की बातें बनाएंगे। तरह तरह की बातें करेंगे, लोगों के बारे में बहुत फिक्र हो रही है तुम्हें। एक मिनट रुको। बर्थडे खत्म, बर्थडे जो है वो खत्म हो चुका है। आप लोग दरवाजा उधर है, आप लोग जा सकते हैं। अच्छा लगा आप लोग आए, बहुत बहुत अच्छा लगा। आप लोग जा सकते हैं। हाँ, अब जाइए। जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। क्या हो गया आपको? अब काहे कर रहे हैं ये सब? बेटा जय, बेटा तुम्हारे पापा कौन है? आप हो मेरे पापा। हाय, इसी मासूमियत पे तो पिघला था मैं। देखो सच सच बता दो, कौन है तुम्हारे पापा? आप ही मेरे पापा। एकदम मम्मी की तरह नौटंकी करते हो तुम, बिल्कुल सेम टू सेम। उनसे ही सीखा है ना? इसका बाप कौन है? मैंने पूछा इस बच्चे का बाप कौन है? नहीं पता हमें। नहीं पता तुम्हें? फिर तो तुम्हें यह भी नहीं पता होगा कि इस बच्चे की मां कौन है ना? नहीं पता हमें, आपने कहा ना। लेकिन मैं जानता हूं इसकी माँ कौन है। अरे आकाश, अगर तुम्हें पता है इस बच्चे की माँ कौन है तो ले जाओ इस बच्चे को और छोड़ा उसके पास। छोड़ा हूँ? हाँ। एक मिनट रुकिए, अभी छोड़ाता हूँ। आ जाओ बेटा, आ जाओ, तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलाता हूँ, आ जाओ। इस बच्चे की असली मां नंदनी है। नहीं!
वही कह रहा हूँ जो तुम कभी मुझसे कह नहीं पाई, वही कह रहा हूँ। तुमने मेरे दिल में धोखे का ऐसा खंजर गाड़ा है नंदनी कि मैं जाके भी कभी तुम पे विश्वास नहीं कर पाऊंगा। अरे मैंने खुद तुम्हें इस बच्चे के बाप से बात करते हुए देखा था। भाई क्या बोल रहे हो आप, कौन सा बाप? अरे वही वो आया था ना, वो जोकर, वही है नंदनी के नाजायज बच्चे का बाप। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.